Hello dear students, welcome in this 31st lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. So in the previous lecture, we have discussed about introduction to direct tax, indirect tax, the sources of direct tax and indirect tax, service tax and excise duty. In this lecture, I am going to discuss about income tax and value added tax. Okay, so let us start with learning outcome of this session. So at the end of this session, you will be able to, after completion of this lecture, students will be able to describe the income tax, describe the merits and demerits of income tax, explain the value added tax and write the advantages and disadvantages of value added tax. So ye sari cheezon ki ability is lecture ke baad aapke andar aa jayegi, theek hai. To shuru karte hain introduction to income tax se, okay, service tax, okay. Introduction to income tax, okay. So income tax is डायरेक्ट टैक्स, ये ध्यान रखिएगा. ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ सकता है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है, वाले है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है. इट इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम जनरेटेड बाय बिजनेसेज एंड इंडिविजुअल इन ए फाइनेंशियल ईयर. किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो कोई बिजनेस हो या बिजनेसमैन हो या कोई इंडिविजुअल हो, उसके द्वारा जो भी इनकम जनरेट होता है, जो आय कमाई की जाती है, उसके ऊपर ये लगता है. और एवरी इंडिविजुअल हुज एनुअल इनकम एक्सीड ए सर्टेन स्पेसिफिक लिमिट इज रिक्वायर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू पे ए पार्ट ऑफ हिज इनकम इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स. और जो भी लोग, जैसे कि है ना अभी कि आपको 2,50,000 तक जीरो इनकम टैक्स है ना, यानी वहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है. अब 2,50,000 के एवव, जैसे ही 2,50,000 एक रुपया लगेगा, तो उस पर आपको 10% या 5% के रेट से जो है न्यू स्लैब या ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना होगा जो रूल्स है इनकम टैक्स का. तो उसके बाद 5,00,000 से एवव जाता है तो 20% से, जैसे इसमें 5% होगा पुराने में. उसके बाद जैसे 5,00,000 एक रुपये 5,00,000 तक लगेगा, 2,50,000 से 5,00,000 तक 5%, फिर 5,00,000 से जो है कि एवव जितना जाएगा 10,00,000 तक, उस पर आपको लगेगा 20% ना. तो ये चीज़ कहता है वहीं कि जो भी एक्सीड जो लिमिट है उससे ज़्यादा होगा तो आपको इनकम टैक्स भरना होगा. इट्स रेट्स आर अनाउंस्ड इन बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर्स. और इसका जो रेट्स है वो हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में अनाउंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इज इंडिया इज ग्रांटेड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल 1962. अब कहता है जो इनकम टैक्स की जो लेवी है, जो लगाया जाता है ना, कर लगाया जाता है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 1962 के तहत. The amount of income tax collected by central government is classified under head of corporate tax. Corporate tax is tax imposed on the net income of company and income tax, that is the company of non-corporate. ये सारी चीज़ें इसमें हैं. अब merits और demerits क्या है income tax के, वो देख लेते हैं. तो पहले देखते हैं merits क्या है. तो merits ये है कि लार्जर बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन रिच पीपल. ज़्यादा इसका जो बर्डन होता है वो अमीर लोगों के ऊपर आता है, हु हैव कैपेसिटी टू बियर दिज, एंड पुअर पीपल विथ लेस एबिलिटी टू पे हैव टू बियर लेस बर्डन. यानी जो रिच लोग हैं, जिनकी ज़्यादा कैपेसिटी है, उनके ऊपर इसका भार ज़्यादा पड़ता है. जो गरीब लोग हैं, जिनकी एबिलिटी टैक्स पे करने की कम है, उस पे कम इसका बर्डन पड़ता है डायरेक्ट टैक्स का. डायरेक्ट टैक्स आर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ. ये जो है कि
जो आय में के बीच असमानता है और जो संपत्ति के बीच असमानता है लोगों के बीच समाज में, उसको एक कम करता है, क्योंकि अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स वसूलता है और गरीब लोगों से कम वसूलता है। तो इस तरीके से एक हिसाब से समाज इक्वलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। जो थर्ड पॉइंट है बेनिफिट इसका है कि अनलाइक इनडायरेक्ट टैक्सेज, डायरेक्ट टैक्सेज डू नॉट कॉज डिस्टॉर्शन इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसमें जो रिसोर्सेज के अलोकेशन है उसको तोड़ मरोड़ कर जो है नहीं पेश किया जाता है, जैसा कि इनडायरेक्ट टैक्स में होता है ना। एज ए रिजल्ट दिज लीव्स द कंज्यूमर बेटर ऑफ एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसका परिणाम यह होता है कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको अच्छा स्थिति में छोड़ देता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स एनी हाउ आप बच नहीं सकते, आपको देना ही है, क्योंकि ये उसके प्राइस में निहित होता है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है, और गरीब लोग इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कि रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये स्पेशली इफ दे आर प्रोग्रेसिव टाइप इज क्वाइट हाई। और जो रेवेन्यू इलास्टिसिटी होती है, जो इनकम जनरेट करने की इलास्टिसिटी होती है, वो काफ़ी हाई होता है इसमें ना, डायरेक्ट टैक्स में। तो ये सारा इसका मेरिट रहा, यदि वो प्रोग्रेसिव होता। अब इसके डेमेरिट्स भी हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन, पीपल आर अवेयर ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, लोग अवेयर हैं कि भाई मैं इतना कमाया तो हमारी तो इतनी लाइबिलिटी देयता बनती है, इतना टैक्स हमें भरपाई करना होगा। देयरफॉर दे वुड ट्राई टू अवॉइड एंड इवन इवेड टैक्सेस। तो वो इसको चाहेंगे कि अवॉइड करें, देने से बचें, इसको इधर उधर कुछ जालसाजी करें। तो द प्रैक्टिस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस इज मोर इन डायरेक्ट टैक्स देन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें क्या होता है कि लोग उससे बचना चाहते हैं, इधर उधर खर्च दिखाकर, और जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं होता, क्योंकि एनी हाउ वो प्राइस में निहित रहता है, तो आप उसमें आपको देना ही देना है। तो ये एक डिमेरिट है। दूसरा है कि डायरेक्ट टैक्स आर जनरली पेएबल इन लमसम और इवन इन एडवांस और एंड बिकम क्वाइट इनकन्वीनियंट। तो ये भी है कि जो एक मुफ्त देना पड़ता है, और या तो आप एडवांस दे दीजिए या जैसे भी आपको। तो इसमें जो है कि जो टैक्सेज है उसमें लोग क्वाइट एक हिसाब से कहिए कि इसे थोड़ा सा लोग मैनिपुलेशन इसमें ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि होता क्या है कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन से बचने के लिए लोग बहुत सारे झूठी एक्सपेंसेज, हेल्थ से अदर अदर चीज़ दिखाते हैं, जो कि एक 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 हिसाब से कहीं ना कहीं आपका जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में होनी चाहिए वो जो है कि सही नहीं हो पाता। इसलिए एक इनकॉन्वीनियंट एक हिसाब से इसको कहते हैं कि असुविधाजनक भी होता है ना, लोगों को असुविधा होती है इसको देने में। तो इसकी डिमेरिट। अनदर डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज देयर सपोज इफेक्ट ऑन द व्हील ऑफ वर्क एंड सेव, यानी उसका जो है कि काम करने और बचत करने की जो इच्छा है उन पर अपेक्षित प्रभाव पड़ता है इसका ना, वो घट जाती है। सो इट इज एसेस दैट वर्क एंड गिवेन इनकम एंड लेजर आर टू अल्टरनेटिव बिफोर एनी टैक्स पेयर। तो उसके पास काम उतना ही करेगा जिससे उसकी खर्चा चले, ज़्यादा वो डिमोटिवेट होता है। तो इस तरीके से ये जो है कि निगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट टैक्स बेटर है। हम तो यहाँ निगेटिव पॉइंट इसलिए दे दिया गया कि भाई ये भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक डायरेक्ट टैक्स इज बेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स हाईली अफेक्ट टू द रिचर पर्सन रादर देन पुअर्स। हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू वैट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2000, 2000 में पहली बार, 2000 ईस्वी में भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन प्रोसेस। जब लिबरलाइजेशन आया, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन 1991, उसके बाद का ये जो है सबसे महत्वपूर्ण सुधार है वैट का इम्प्लीमेंटेशन। एंड मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैड इम्प्लीमेंटेड वैट
1/4/2005, यानी 1 अप्रैल 2005 में बहुत सारे स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, बट हरियाणा वाज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2004, यानी एक साल पहले ही कर दिया था हरियाणा। तो फर्स्ट वैट को इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य था वो हरियाणा था, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। इट बेसिकली फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट, तो द स्टेट हैज द राइट टू इम्प्लीमेंट इट, ये स्टेट के लिस्ट में आता है, क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए स्टेट को इसको इम्प्लीमेंट करने का राइट है। इन वैट द टैक्स आर इम्पोज एट ऑल स्टेजेज ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो इट इज बेसिकली ए मल्टीपल बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। क्या है वैट? क्या है? मल्टीपल बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर के हर स्टेज पे लगता है, ऑल स्टेज पे लगता है। इट इज अ प्लेस ऑन ए प्रोडक्शन व्हेन एवर वैल्यू इज एडेड, कहाँ जहाँ भी इसमें वैल्यू एड होता है वहाँ पर लगता है। सो एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चैन फ्रॉम प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ जो है प्रोडक्शन से लेके बिक्री तक जहाँ भी वैल्यू इसमें ऐड होता है उस पर वैट लगता है, जो वैल्यू ऐड होता है उसी पे लगता है, ऐसा नहीं कि पीछे भी लग गया जैसा कि जीएसटी में होता है, जो आगे हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो द अमाउंट ऑफ वैट दैट यूजर पेज इज ऑन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज इन प्रोडक्ट दैट हैव ऑलरेडी बिन टैक्स, यानी ये कह रहा है कि जो वैट पेड किया जाता है वो वस्तुएं जिन पर ऑलरेडी ही वैट लगाया जा चुका है, जिसका प्रयोग रॉ मटेरियल के तौर पर हम किए हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो उसको माइनस करके उसके बाद कितना वैल्यू एडिशन हुआ उस पे टैक्स लगता है। तो देखिए वैट टू बी पेड टू गवर्नमेंट आउटपुट, आउटपुट माइनस इनपुट वैट, आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट, आउटपुट वैट क्या हुआ कि जो फाइनल जो है प्रोडक्ट बन के रॉ मटेरियल से तैयार हुआ वो माइनस इनपुट वैट, यदि मान लेते हैं कि यहाँ जो वस्तु की कीमत है जो फाइनल मार्केट में आई है वो 1200 रुपये है, और जो इनपुट वैट 1200 है इंक्लूडिंग वैट, और यहाँ जो इनपुट वैट मान लेते हैं कि 1000 दिया जा चुका है, आउटपुट वैट 12000 है, 1000 दिया जा चुका है, तो वैल्यू एडिशन जो हुआ 200, तो उस 200 पे ही एक किया जाएगा वैट लगेगा, यानी कहने का मतलब है कि जो एडिशनल वैल्यू उसमें ऐड होगा उसी पर वैट लगेगा, ना कि वो रॉ मटेरियल पर जो जिससे बनाया गया है जिस पर ऑलरेडी वैट पे किया जा चुका है। अब आउटपुट वैट क्या होता है इसको देख लीजिए यहाँ पे, तो इट इज द टैक्स चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स, इट इज चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। इनपुट क्या होगा? इट इज द टैक्स पेड ऑन द परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, जो रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने खरीदा था, एंड इट इज पेड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो ये सारी चीज, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स, फेयर टैक्स इज कलेक्टेड इन स्टेजेज रादर देन कलेक्शन ऑफ टैक्स एट फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, ना? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो वैट है वो स्टेजेज में कलेक्शन होता है, इसका भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो यहाँ से भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। एंड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट आर कैरिड ऑन विद इन अ स्टेट बाई इंडिविजुअल पार्टनरशिप कंपनीज एट्सेट्रा विल बी कवर अंडर वैट, जो भी है चाहे इंडिविजुअल चाहे पार्टनरशिप या कंपनीज के माध्यम से जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन एक स्टेट के अंदर होते हैं वो सब वैट के अंदर आते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर केप्ट आउट ऑफ वैट रीजन इन इंडिया, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैट को देखते हैं, वैट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज सिंपल मॉडर्न एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम, ठीक है, ये साधारण है और मॉडर्न आधुनिक भी है और साधारण पूरी तरीके से पारदर्शिता इसमें है। इट इज मल्टीपल पॉइंट टैक्स विथ क्रेडिट फॉर टैक्स पेड एट प्रोसीडिंग स्टेज, ये जो है कि मल्टीपल पॉइंट टैक्स है जिसमें कि जो पहले पे किया जा चुका है उसको हटाकर नेक्स्ट में जो वैल्यू एडिशन होता है उस पर टैक्स
पे की जाती है। स्मॉल ट्रेडर्स हुज टर्न ओवर इज अप टू 10 लाख आर आउटसाइड ऑफ वैट, और छोटे छोटे व्यापारी जिनके टर्न ओवर 10 लाख से जो है कि कम हो वो वैट के अंदर नहीं आते हैं, यानी वो आउटसाइड बाहर रहते हैं। वैट रिप्लेसेज ए नंबर ऑफ टैक्सेज लाइक टर्न ओवर टैक्स, लग्जरी टैक्स, सरचार्ज, इन सारे टैक्सेस को वैट ने रिप्लेस किया जब ये अपने जब ये आया जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज वैट बीइंग इफिशियंट इन कंसीडर्ड टू बी बेटर देन सेल्स टैक्स। ओके, यानी जो वैट कुशल होने के कारण बिक्री कर से बेहतर माना जाता है, जो बिक्री कर है उससे, क्योंकि इट इज मोर इफिशियंट, ठीक ना। उसके बाद जो सिक्स पॉइंट है, वैट हैज फोर रेट्स इंस्टीड ऑफ लार्जर नंबर ऑफ रेट्स अंडर सेल्स टैक्स। इससे पहले जो बिक्री कर लगते थे उसमें बहुत सारे रेट्स हुआ करता था, और इसमें अब वैट में 4 रेट ही रखा गया। उसका जो सेवेंथ पॉइंट है वो कहता है कि जो कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल डीलर हैविंग टर्न ओवर एबव टैक्सेबल क्वांटम ऑफ आर एस 10 लाख बट बिलो 50 लाख, यानी कि जो 10 लाख रुपए से अधिक लेकिन 50 लाख रुपए से कम टर्न ओवर वाले डीलर हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम भी है। तो कंपोजिशन स्कीम क्या है, व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम? तो वी कैन से दैट कंपोजिशन स्कीम इज द वैट कंपोजिशन स्कीम दैट अट्रैक्ट एंड इट इज ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर द स्टार्टअप ऑफ ऑनर। यानी आपको एक एक स्कीम है गवर्नमेंट का जिसके माध्यम से आपको कुछ सुविधाएं इसमें देती है दी जाती है जिससे कि आप नया स्टार्टअप नया बिजनेस खड़ा कर सके। और नेक्स्ट जो है, वैट इलिमिनेट्स कैस्केडिंग बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स टू टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड ओनली टैक्सिंग द वैल्यू एडिशन। और ये जो है कि कैस्केडिंग प्रभाव जो होता है, जो उछाल आता था कैश टैक्स टैक्स लगाने से, उसको कम करता है क्योंकि ये एडिशनल जो वैल्यू एड होता है उसी पे टैक्स इसमें पे होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेज ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, इसके क्या क्या लाभ हैं उसको देखते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट बाय डीलर, डीलर खुद ही अपना सेल्फ असेसमेंट कर लेगा। हायर रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम स्टेट्स, एस नहीं रहेगा यहाँ पे ना, फ्रॉम स्टेट्स। अदर टैक्सेस टू बी इलिमिनेटेड, और बहुत सारे टैक्स था उनको इलिमिनेट कर दिया गया। फेयरनेस इन टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेसर सिस्टम जो है उसमें फेयरनेस आया। देन विजिट टू टैक्स डिपार्टमेंट विल रिड्यूस हेल्प टू रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड करप्शन, इसमें जो कर चोरी और जो भ्रष्टाचारी था वो खत्म हुआ धीरे धीरे, मतलब तो उसमें कमी आई। और सेवेंथ है कि यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ वैट विल बूस्ट फेयर ट्रेड्स, और जो एक उसका रेट था ना पूरे कंट्री भर में, वो कहीं ना कहीं आज स्टेट भर में वो इसको बूस्ट किया फेयर ट्रेड को, मतलब स्वच्छ व्यापार को। और वैट इज इजियर टू एनफोर्स, और ये काफ़ी ईजी था इसको एनफोर्स करना, इसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ती है कभी हम इसको लिखें। तो पहला इसका है कि रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर विल नीड टू री स्ट्रेंथन विद टैक्स अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है दावा करने के लिए जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम और जो प्रक्रिया है उसको कर अधिकारियों के साथ मिलकर फिर से मजबूत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी जाकर इसके रिकॉर्ड को सही से रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेज पे टैक्स लगाए जाते हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज इसमें दिखाने की कोशिश की गई है वो है वैट में लीड टू टैक्स इविजन इफ फॉल्स इनपुट क्रेडिट्स आर सबमिटेड बाई डीलर्स। यानी कि यदि डीलरों द्वारा गलत इनपुट क्रेडिट जमा किए जाते हैं तो वैसी स्थिति में कर चोरी जो है वैट जो है कर चोरी का कारण बन सकता है ना। तो ये चीज रहा डिसएडवांटेज वैट का। अब जो है
डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स CST ना। अब डिफरेंस क्या है वैट और सेल्स टैक्स में, क्यों सेल्स टैक्स को रिप्लेस करके वैट को लाया गया, तो देख लेते हैं क्या है। अंडर द सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट द टैक्स इज कलेक्टेड एट वन स्टेज ऑफ परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स ना। कहता है कि जो ये था जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था उसमें जो कलेक्शन होता था टैक्स का वो वन स्टेज ऑफ परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स बिक्री पर होता था। देयरफॉर बर्डन ऑफ फुल टैक्स बॉन्ड इज बॉर्न बाय ओनली वन डीलर आइदर फर्स्ट और लास्ट डीलर। तो एक के द्वारा उसका पूरा बर्डन पे करना पड़ता था, चाहे वो फर्स्ट डीलर हो या लास्ट डीलर हो, ये उसकी कमी थी। हाउएवर अंडर द वैट सिस्टम टैक्स बर्डन वुड बी शेयर्ड बाय ऑल डीलर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। जितने डीलर में है, जैसे कि GST में दिखाएंगे आपको बताएंगे कि जैसे जैसे जो है कि हर मैन्युफैक्चरर भेजा सेल किया होलसेलर को, होलसेलर फिर रिटेलर को, रिटेलर फिर कंज्यूमर को, तो जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन हुआ उस प्रोडक्ट में वैल्यू एड हुई वहाँ वहाँ उसमें क्या हुआ कि वैट लगाया गया। ये वैट में फैसिलिटी थी। देन सच टैक्स वुड बी पास अपॉन द फाइनल कंज्यूमर, और ये टैक्स के हिसाब से फाइनल कंज्यूमर पे पास हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है अंडर द CST Act दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट जनरल एंड स्पेसिफिक एग्जम्पशंस आर ग्रांटेड ऑन सर्टेन गुड्स व्हाइल वैट डज नॉट परमिट सच एग्जम्पशन। जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है उसमें जो जनरल और स्पेसिफिक एग्जम्पशन है, जो टैक्स में कुछ छूटे हैं वो ग्रांटेड किया जाता है ऑन द सर्टेन गुड्स, किसी किसी खास गुड्स पर, जबकि जो वैट है डज नॉट परमिट सच एग्जम्पशन। लेकिन वैट के अंदर इस तरह के एग्जम्पशन को परमिट नहीं किया जाता, इस तरह के एग्जम्पशन को उसको क्या बोलते हैं कि आदेश नहीं रहता है। तो इस प्रकार यही इस लेक्चर को मैं अंत करता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 31st में क्या डिस्कस किए, तो डिस्कस किए इनकम टैक्स, देन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, देन वैल्यू एडेड टैक्स, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस किए एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स एंड डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कस्टम ड्यूटी एंड GST। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।